जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक और एक नए वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ। मैं हूं डॉक्टर देव और मैं हूं राजेश। तो आज के वीडियो का टाइटल है भारतीय लोग पहले हमारे पाकिस्तान में आकर काम करते थे, पाकिस्तान मीडिया। क्या बात है, हमने तो कभी ऐसा सुना नहीं है। लेकिन हाँ, पहले की बात हो तो उस समय भारत के रिलेशन थोड़े बहुत पाकिस्तान के साथ अच्छे हुए थे और थोड़ा बहुत ट्रेड चल रहा था और जैसे कि ट्रेन भी चल रही थी तो बिजनेस के हिसाब से लोग आते जाते रहते थे, वो बात अलग है। लेकिन वहां पर नौकरी करता है ऐसा तो मैंने कभी नहीं सुना है। लेकिन फिर भी वीडियो देखते हैं, वीडियो को दोस्तों लास्ट तक जरूर देखना। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर से कीजिएगा और पहली बार चैनल पे आए और अब तक हमने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा। चलिए वीडियो स्टार्ट। और अब्दुल बासित हमारे हाई कमिश्नर इंडिया में, वो कह चुके हैं कि सलमान सिफारिशें करता था भारतीयों की कि उन्हें वीजे दिए जाएं और उनके घर में आके ठहरते थे भारतीय और उनके शुगर मिल में काम करते थे। वो जो सो कॉल्ड आपकी एजुकेशन है वो इंतहाई घटिया है। देखिए भारत के मामले में नवाज शरीफ साहब का रवैया एक अरसे से खुद भी बदल चुका है। ज़हनी तौर पर वो कबूल कर चुके हैं, अब मुझे उसके लिए वो मौजू लफ्ज नहीं समझ में आता, एक हौलनाक मरूबियत है। ये जो एक पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान एक अजीब सी रेस लग जाती है, कई दिहाइयों पाकिस्तान की मईशत आगे रहती है, फिर पिछली दो दिहाइयों से हिंदुस्तान की मईशत के अंदर हमने बेहतरी देखी है। इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनर है अमेरिका का और हमारा चीन है, चीन की बात करनी चाहिए उन्हें। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सौरभ, एक और नए वीडियो के साथ। दोस्तों पाकिस्तान के सीनियर जर्नलिस्ट हरीम रसूद जो भी आप बोल सकते हैं, ठीक है, क्योंकि उसका बात रह जाता है तो आपका मुंह से जो निकले वो उसको बुला सकते हैं। और वो ये दावा कर रहा है कि भाई शहबाज शरीफ का जब गवर्नमेंट था शहबाज शरीफ के टाइम में, तो शहबाज शरीफ का जो चीनी मिल है उसमें भारतीय जाके काम किया करते थे। अब आप सोच सकते अच्छा। हैं कि भाई इंडिया वाले जाके वहां पे काम किया करते थे, पाकिस्तान इतना तरक्की कर रहा था शुरू से, और ये तो दावा शुरू से पाकिस्तानी मीडिया करते आ रही है कि भाई हम हिंदुस्तान से बहुत आगे थे, अभी दो चार सालों में पीछे हुए, नहीं तो पहले तो बहुत आगे थे हम। तो चलिए इस वीडियो का और आगे होने का राज सबसे पहले इस वीडियो में देखते हैं, फिर मिलते हैं वीडियो के एंड में। IMF वाले जितने बापू हैं ना, वो आ रहे हैं महीने के आखिर में, वो जो बातें उन्होंने कही हैं ना उन पर वो अमल कराएंगे। आप कोशिश करके खुश हो के थोड़ा सा, आपकी मर्जी है, आप हो लें हैप्पी, हैप्पी होने में क्या बुराई है, वन शुड बी हैप्पी हैप्पी। लेकिन यह कि जब वो आएंगे तो वो अपनी शरायत पर बहुत सख्त होंगे। ये खबरों के पीछे नहीं जाएं, वो ये कह रहा है, ये कह रहा है, उसने ये कह दिया, इसने वो कह दिया, उनके कहने कूने से कुछ नहीं होता। जिसने नोटू देने ना उधार, उसने बताना है क्या करना है, उसने क्लियर कट बताया हुआ है, रियल इंटरेस्ट रेट पॉजिटिव होना चाहिए, उसने क्लियर कट बताया हुआ है कि जनाब फॉरेन एक्सचेंज आपकी जो रजीम है या फॉरेन एक्सचेंज ट्रांसलेशन जो है वो आप करोगे फ्री फ्लोट सिस्टम के तहत, ठीक है, आप नहीं मानना चाहते आपकी मर्जी है, हाँ हु खुश होते रहे, यूं हो गया, वो गिर गया, ये चढ़ गया, वो गिर गया, वो ये चढ़ गया, हम मजबूत हो गए, यूं हो गया, वो हो गया, ये सब खाली बातें तो रोज होती रहती हैं, हैं तो थूक में पकौड़े तलना बंद कर दें आप, अब संजीदा हो जाएं। और तरक्की मोटर बेस नहीं होती, ऑरेंज ट्रेन नहीं होती, जो एक बोझ है और ऐसे हालात में बनाई गई है कि वो कर्जों का बोझ पहले ही बहुत ज़्यादा था और अब उसकी हर साल 10-12-15 रुपए सब्सिडी देनी पड़ती है और उसके लिए बसें सवारियां ढोती हैं, वो भी सरकारी खर्चे से मंगवाई गई हैं, और ना इनकी कोई जंगला बसों की ज़रूरत थी जिसके लिए एक सड़क का एक तिहाई हिस्सा घेर लिया गया है। तरक्की इसको नहीं कहते, इंडिया में कौन सी मोटरवेज थी, तो अब बना रहे हैं पिछले चंद दो चार वर्षों से, और बांग्लादेश में कौन सी मोटरवेज थी, उनकी शरह तरक्की हमसे ज़्यादा है। आप देखें इतने सालों के अंदर जो क्रिएटिविटी है वो यही है, हाउसिंग सोसाइटियाँ, इसके अलावा तो आप लोग कुछ बना नहीं सके, सही बता रहा हूँ। पूरा कराची से खैबर तक आपका बस चले तो सारा कुछ आप प्लाट बना के बेच बाज के निकल जाओ। उधर फिलिस्तीन वालों के ऊपर तनकीद करते हो, फिलिस्तीनियों ने भी तो यही किया था ना, इजरायलियों को जमीन बेच दी, फिर उसके बाद हाथ पे हाथ धर के बैठ गए। अब जनाब तमाशा आप देख रहे हो क्या हो रहा है वहां पे। नहीं, मैं रियल बात करता हूँ भाई, घुमा फिरा के बात नहीं करता। ये तो सही है, नोटू मिलते थे तो तुम लोग हर वक्त सड़क पे निकले हुए होते थे, इस दफा नहीं नोटू मिले ना तो कोई नहीं आए, एजाज भी निकल जाता था हर जुमे को, मैं पूछता था ये क्यों निकला भाई, वो कह रहा मुझे नहीं पता, बस एहतजाज एहतजाज। तो मुझे सब पता है भाईजान, नोटू मिलते थे काम,
ये चीजें हैं, बोलनी नहीं है, दवाई खानी है, दवाई खानी, टाइम पे दवाई खानी, दवाई लेके आ मेरी चिंटू। तो बात ये कि जो चीजें हैं ठंडे दिमाग से सोचो, ये आ जाए बस सब सेट है, सब खुश है, यानी लाइफ खुशहाल है। और भारत से आप कहते हैं बावकार ताल्लुकात, क्या बावकार ताल्लुकात, वो कहते हैं गिलगित बल्तिस्तान भी हमारा हिस्सा है, उस पर तो आप बात नहीं करते। आज की तारीख में कोई कश्मीर के मुतालिक बात नहीं कर रहा, हर कोई इस वक्त फिलिस्तीन के बारे में बात कर रहा है, मैं कश्मीर के बारे में बात करना चाहूँगा। मकबूला और आज़ाद कश्मीर के अंदर मौजूद तमाम कश्मीरी भाइयों को सबसे पहले तो मेरा सलाम। सबसे ज़्यादा आपको पता होगा कि मैं वो पाकिस्तानी टीवी एंकर हूँ जो कि मकबूजा कश्मीर में भी और आज़ाद कश्मीर में भी बहुत ज़्यादा मशहूर है, क्योंकि मैं ही हूँ जो यहाँ आज़ाद कश्मीर में भी मुजफ्फराबाद के मुतालिक भी बात करता हूँ, हजीरा के बारे में भी बात करता हूँ, रावलाकोट के बारे में भी बात करता हूँ, और मकबूजा कश्मीर के अंदर जिस तरह से हमारे प्यारे कश्मीरी भाई रह रहे हैं, जिन मुश्किलात का सामना कर रहे हैं, उनके मुतालिक और उनके हुकूक के मुतालिक भी मैं बात करता हूं, और मेरी बात हिंदुस्तान में भी सुनी जाती है। और मैं आज भी यही कहता हूं कि अगर पाकिस्तान, हिंदुस्तान और कश्मीर की मौजूदा क़यादत बैठे तो किसी ना किसी तरीके से कश्मीर के मसले का हल ज़रूर निकलेगा इंशाल्लाह, मेरा ये ख्याल है। मैं आई एम ए सेन बैलेंस्ड वॉइस फ्रॉम पाकिस्तान, आई बिलीव देर इज़ अ पीसफुल रेजोल्यूशन टू कश्मीर, और मेरे ख्याल से ज़रूर अच्छा, अगर पाकिस्तान के नेक नीयत लोग, हिंदुस्तान के नेक नीयत लोग हर जगह होते हैं, हिंदुस्तान के नेक नीयत लोग और कश्मीर की जो क़यादत है उसमें जो नेक नीयत लोग आपस में बैठें तो कश्मीर का मसला भी हल होगा। अल अजीज़, यह स्टील मिल में क्या आप ये बता सकते हैं नवाज शरीफ साहब कि कोई एक भी पाकिस्तानी मुलाजम क्यों नहीं था, सब भारतीय क्यों थे, और क्या वो बता सकते हैं कि वो काबुल से आगे तक रेलवे लाइन क्यों बिछाना चाहते थे भारत कोयला भेजने के लिए? क्या ये बात गलत है, क्या ये बात गलत है कि वो किसी से मशवरा किए बगैर मोदी की जश्न ताजपोशी में गए, जबकि कोई भारतीय लीडर नहीं आया पाकिस्तान में उनकी दरख्वास्त के बावजूद? तो बात ये कि हमें नोट मिलते रहे तो हम खुश रहते हैं। अब समझ जाओ, अगर नोट चाहिए IMF आएगी महीने के आखिर में, अपनी बातें मनवाएगी, आपकी उस्तादियां नहीं चलेंगी, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, हम इस तरह ले आएंगे, उस तरह ले आएंगे, ये स्टोरी टेलिंग यहाँ पे चलती है। अमरू अय्यार की कहानियां, अमरू अय्यार ने अब बिल में से ये निकाला और अंगूठी निकाल के पेश की और फिर परी उसके साथ शादी करने पर तैयार हो गई, ये अब दियोमालाई कहानियां यानी फेरी टेल्स हैं, आई एम एफ वाले नहीं सुनेंगे, सही है, ये पार्ट वन हो गया, इसको करो साइड पे। बात ये कि यार मैं पड़ोसी मुल्क की बिल्कुल मिसाल नहीं देता, लेकिन उनमें क्रिएटिविटी का एलिमेंट है, आप मानो नहीं, आपकी मर्जी, लेकिन उन्होंने क्रिएटिविटी का एलिमेंट यूज़ किया, उन्होंने किस तरह भी करके नए नए अंदाज के अंदर अपनी एक्सपोर्ट को बढ़ाई। आप अपने मुल्क के अंदर एक्सपोर्ट बढ़ाने में कामयाब नहीं रहे, सॉरी नॉट माई मिस्टेक, आपके पास ट्रेडिशनल और नॉन ट्रेडिशनल एक्सपोर्ट बढ़ाने के हज़ार ज़राए थे, आपने मेहनत नहीं की, नॉट माई फॉल्ट, मेरा काम नहीं है, मैं कितना सह करूँ, मैं शुरू से ये बातें सुन रहा हूँ, साहब यूँ हो जाएगा तो एक्सपोर्ट बढ़ जाएगी, $100 बिलियन हो जाएगी, ये काम आपके करने के हैं, बोलने के नहीं हैं। एक तो आप लोग बातें, आप बातें करने के बहुत शौकीन हैं, ये जो होता है। सो थैंक यू दोस्तों वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए, और जिस हिसाब से हाँ ये जो पत्रकार बात कर रहे हैं, मेरी बात भारत वाले भी सुनते हैं, लेकिन देखो वो जो बात करते हैं ना, वो बात सत्य पे करना ज्यादा पसंद करते हैं, वो पाकिस्तान हो या इंडिया हो, और जहाँ पे गलत चीज होती तो वहाँ पे कोसते भी बढ़िया है, और पाकिस्तान में इसको फनी एंकर भी नाम से जाना जाता है, फनी एंकर भी उसको बोला जाता है, लेकिन जिस हिसाब से ये लोग बोल रहे हैं, मतलब अभी जो बात हो रही थी पाकिस्तानियों की, मतलब भारतीय लोग भी यहाँ पे शुगर मिल में काम कर रहे हैं, हाँ शुगर मिल में काम करने के लिए लोग आते थे, ऐसा ये सब कुछ, तो देखो पहले थोड़े बहुत रिलेशन अच्छे थे, तो उसका मतलब ये नहीं है कि भारतीय लोग वहाँ पे मतलब शुगर मिल में काम करने आते हैं, ये सब कुछ वगैरह वहाँ पे नौकरियाँ वगैरह करते थे, मैंने अभी तक नहीं देखा आज तक जो रिलेशन जो थे पाकिस्तान के साथ कभी ठीक हुए नहीं, इसमें दो तीन बार मतलब बातें हुई थी, ट्रेन चालू किया, लेकिन उन्होंने जब टेबल टॉक करते थे, शांति की बात करते थे, फिर हमला कर देते, हाँ वही वही हर बार वही करते, वही तो क्या ये जो कारगिल वाला हुआ, तो कारगिल वाले में भी वही हुआ, हमारे जो प्राइम मिनिस्टर थे तब के अटल बिहारी वाजपेयी, वो गए थे कारगिल कर दिया, वहाँ पे भी शांति का ही पैगाम दिया था कि भाई अभी ठंड का मौसम है, ठंड ऋतु ये चल रही है, तो दोनों तरफ की जो मिलिट्री जो फौज है उसको नीचे लाया जाए,
लेकिन उन लोगों ने गद्दारी किया था और हमला कर दिया था। तो यही तो पाकिस्तान की औकात है। आप ये क्यों नहीं बोलते हो और बोलते हो भारत आए हम गुलाम थे भारत वाले, तभी आप भी गुलाम थे अंग्रेजों के, उसके बाद भारत कभी गुलाम नहीं रहा। हाँ भारत तो फिर उसको ऊपर आने में थोड़ा टाइम लगा, लेकिन अब सबका बाप बन के बैठा है। तो गुलाम बन गए पूरी तरह से बन गए। अच्छी खास है ये बोला था ना आपका एंकर के वो महीने के एंड में आने वाले। ये लोग गुलामी से बाहर आए ही नहीं है, ये आजाद थोड़ी हुए, इसका तो जन्म हुआ है पाकिस्तान का। ये इन लोगों को आजादी मिली कहाँ है अभी तक? ये तो अभी भी, अब पहले क्या था कि अंग्रेजों की गुलामी में जब भारत था तभी वो भारत में ही थे, अब जो गुलाम है वो फिर भी वो अंग्रेजों के ही गुलाम में है, IMF वगैरह और फिर उसके बाद बहुत सारे कंट्री के साथ लोन लिया हुआ है। तो दोस्तों इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है आप हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर से कीजिएगा। मिलते और अपने वीडियो में अपने टॉपिक्स के साथ आपके साथ। टिल देन जय हिंद जय भारत।